डॉक्टर शी झेंगली उन वैज्ञानिकों की टीम की हेड है जो वुहान की लैब में कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस पर रिसर्च कर रही है। कोरोना वायरस के रिसर्च के लिए डॉक्टर शी झेंगली का चुनाव ही इसलिए किया गया था क्योंकि वो पिछले 16 सालों से चमगादड़ों में मौजूद वायरस पर काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2004 में वुहान के नज़दीकी जंगलों से की थी, जहां के अलग अलग इलाकों के 28 से ज़्यादा गुफाओं में जाकर डॉक्टर शी झेंगली ने चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठा किए थे। साइंस मैगजीन साइंटिफिक वुमेन के मुताबिक चीन की बैट वुमेन यानी प्रोफेसर शी झेंगली ने चमगादड़ों से निकलने वाले वायरस का पूरा बैंक बना लिया था और उसी में ये नोवेल कोरोना वायरस भी शामिल था जिसे आज कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। यह वायरस हॉर्सशू नाम के बैट में पाया गया था। इसी वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 30 दिसंबर को डॉक्टर शी झेंगली अपनी इन्हीं रिसर्च को लेकर एक अहम मीटिंग के लिए शंघाई गई थी। मीटिंग के दौरान ही शाम 7 बजे के करीब डॉक्टर शी झेंगली के मोबाइल पर फोन आया। फोन के दूसरी तरफ वुहान लैब के डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रोफेसर शी झेंगली को फौरन मीटिंग छोड़कर शंघाई से वुहान लौटने का आदेश दिया। शी झेंगली ने शंघाई से वुहान के लिए ट्रेन पकड़ी मगर वो जब तक वुहान पहुंच पाती तब तक कोरोना वायरस ने वुहान में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा था और हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ने लगे। वुहान लैब में वायरस के लीक हो जाने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, इसीलिए आनन फानन में चीन की बैट वुमेन को फौरन लैब पहुंचने का आदेश सुनाया गया, इस उम्मीद में कि शायद इस वायरस के बचाव का वो कुछ रास्ता बता सकेंगी। क्योंकि साल 2005 में प्रोफेसर शी झेंगली और उनकी टीम ने यह पता लगा लिया था कि सार्स फैलने वाली बीमारी के वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, जिसके बाद साल 2014 में शी झेंगली अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चमगादड़ों के रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ी। हालांकि 2014 में ही अमेरिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की लैब को फंड देना बंद कर दिया, जिसके बाद चीन इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वुहान के वायरोलॉजी लैब में ले आया और शी झेंगली को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सेंटर फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। डॉक्टर शी झेंगली को अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से फेलोशिप और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वुहान की वायरोलॉजी लैब में मिले इस मकाम के बाद प्रोफेसर शी झेंगली ने बैट कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च और तेज कर दी थी। हालांकि डॉक्टर शी झेंगली इस बात से अभी भी इनकार कर रही है कि जो कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है वो वुहान की लैब में बनाया गया था।